दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक भाई अपनी बहन को घर से भागने में उसकी हेल्प करता है। आज सुबह सुबह बहन उठ के मुझसे बोलने लगी, भैया मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही मैंने अपना बड़ा भाई होने का फर्ज अदा करते हुए अपनी बहन को लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। पर ये क्या, हमारी बहन तो बहुत चिंतित लग रही थी। चलो चल के उसी से पूछते हैं। अरे ये तो बता, क्यों जा रही है तू घर छोड़ के? इस बार मैं लौट के नहीं आने वाली, बहुत दूर जा रही मैं, बहुत दूर। अरे कहाँ जा रही उतना तो बता दे। मैं क्यों बताऊं? चल ठीक है मत बता, पैसे वैसे तो रखे है ना अपने पास? हाँ 228 रुपए हैं, वो भी फटे हुए हैं। फाइनली बहन की ट्रेन पहुंच जाती है। ये है मेरी बहन का डिब्बा जिससे वो भागने वाली है। अंदर घुसते ही हमने देखा हमारी बहन की सीट में तो पहले से ही किसी ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। फिर हमारी बहन को दया आ जाता है और वो उन सबको जल्दी से सीट खाली करने बोलती है। भाई जिंदगी में पहली बार किसी ट्रेन को सुसु करते देख रहा था मैं, पर ये ट्रेन नर है के मादा ये मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट करना। अरे अंकल को कोई मग्गा बाल्टी दो रहे, अंकल नहाने वाले हैं। चल भाई मैं निकल रहा हूँ, टाटा बाय। देख अभी भी वक्त है, घर वापस चल सकती है। भागना। अबे गाली किसको दी रे? अबे रुक इधर देख। अरे नहीं भैया आपको नहीं बोला। दोस्तों हम आजकल अपने नैनो को कपड़ों से ढक के रख रहे हैं क्योंकि गली के कुछ गुंडों की नजर इस पे पड़ गई है और वो आके इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतने नीचे गिर गए हैं ये लोग कि बिचारी का चीर हरण कर रहे हैं। देखिए बिचारी का पिछवाड़ा भी दिख रहा है। आज के जमाने में इंसान छोड़े गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं है। पर आज हम पता करके रहेंगे कि ये कौन है वो दरिंदा जो हमारी नानो को इतना परेशान कर रहा है। वो शायद भूल गया है कि हमारे घर के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी लगा हुआ है। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज देखते ही हमारी होश उड़ गई। वो दरिंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे गली का टॉमी और उसकी गैंग है। जी हाँ ये वही टॉमी है जिसको हम रोज रात को खाना खिलाते हैं। टॉमी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार, जिस थाली में खाते हो उसी के नैनो में छेद करते हो। छी